नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। बहुचर्चित मऊ जेल जीतू ठाकुर हत्याकांड में 15 साल बाद आया अहम फैसला। पुलिस ने जीतू ठाकुर हत्याकांड गैंगस्टर युवराज उस्ताद सहित अन्य 5 को आरोपी बनाया था। अपर सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र सोनी ने सुनाया अहम फैसला। सुनते हुए हत्याकांड में 3 आरोपियों को दोषी करार दिया। विनोद उर्फ विक्की, अशोक पिता बाबा साहब को आजीवन कारावास। एक आरोपी अशोक पिता अर्जुन मराठा पूर्व में हो चुकी है मौत। युवराज उस्ताद यशवंत और विजय उर्फ करण को दोष मुक्त करार दिया। घटना में मुख्य गवाह फरियादी शैलेंद्र कैलाश हरिप्रसाद हुए पक्ष विरोधी। गवाहों के पक्ष विरोधी होने पर न्यायालय में संज्ञान लिया गया। गवाहों के खिलाफ न्यायालय ने परिवाद प्रस्तुत करने का आदेश दिया। न्यायालय में पक्ष विरोधी गवाहों पर चलेगा मुकदमा। 93 गवाहों के न्यायालय में हुए थे बयान। 77 गवाह ने न्यायालय में बयान बदले। इसमें 2 लोगों को दोषी करार दिया गया। दिनांक 23/6/2007 को मऊ जेल में बंदी जीतू ठाकुर की हत्या की योजना युवराज यशवंत विजय उर्फ करण, विनोद उर्फ विक्की, अशोक पिता बाबा साहब और अशोक पिता अर्जुन के द्वारा बनाई गई। इसमें अशोक पिता बाबा राव पूर्व से जेल में एक अन्य झगड़े में बंद करवा के जीतू ठाकुर की पूरी गतिविधियां की जानकारी ली गई। पश्चात इसकी योजना करके जेल में प्रवेश करके उसकी हत्या की गई। किन लोगों को दोषी माना गया था इस पूरे मामले में? किन लोगों इन 6 लोगों को दोषी मतलब पुलिस ने मुलजिम बनाया था और उसमें 2 लोगों को सजा हुई है। किन लोगों को सजा हुई है? एक अशोक पिता अर्जुन मराठा मृत हुआ है। इसमें अशोक विनोद उर्फ विक्की और अशोक पिता बाबा साहब को सजा हुई है। कितने साल की? आजीवन कारावास। इसमें सजा हुई है 302, 109, 120B, 147, 148, 302, 307, 353, 224 और 201। सर, जिन आरोपियों को बरी कर दिया क्या रहा, क्या कानूनी इसमें क्या इसमें क्या था कि जो मुख्य गवाह थे फरियादी शैलेंद्र सिंह चंदेल, कैलाश हरिप्रसाद, ये पक्ष विरोधी हुए थे जिनके खिलाफ हमारे द्वारा 340 के अंतर्गत आवेदन दिया था, जिस पर कोर्ट ने 186 के अंतर्गत संज्ञान लेते हुए परिवाद प्रस्तुत करने का कहा गया है, जिसमें वही सजा है जो इन धाराओं के अंतर्गत सजा थी। मतलब ये इन साक्षियों के खिलाफ शासन के द्वारा पक्ष विरोधी होने के कारण परिवाद प्रस्तुत किया जाएगा और परिवाद प्रस्तुत करने पर इन्हें जिनने दोषियों को बचाया है उनके खिलाफ उन्हीं धाराओं में सजा होने की संभावना है। इसमें बरी किया है युवराज विजय उर्फ करण और यशवंत। कितने साल चला था ये पूरा मामला? ये 2007 की घटना थी जिसमें आज निराकरण हुआ है। कितने गवाह हुए पूरे? इसमें 93 गवाह हुए थे। कितने पक्ष विरोधी हुए? पक्ष विरोधी इसमें लगभग 77 गवाह पक्ष विरोधी हुए थे। सर, ये कितने अहम फैसला आया है? सोनी साहब की कोर्ट में फैसला आया है। इसमें शासन की ओर से मैंने गजराज सिंह सोलंकी, हेमंत मुंगी और दिनेश हाड़िया वो वर्तमान में आरती झबरा ने पैरवी की है। सर, किसी तरह की गुजर के पड़ी करी कोर्ट ने इस पूरे फैसले को सुनाते हुए जो तीन बरी भी हो गए इस पूरे मामले में, कोर्ट के समक्ष पुलिस ने कई तरह के गवाह भी पेश किए लेकिन वो पक्ष विरोधी हो गए, तो किस कोई विशेष टिप्पणी करी हुई? मैंने बताया ना हमारे द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर कोर्ट ने ज्ञान लिया है और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमको बोला परिवाद प्रस्तुत करें। कोई फटकार लग रही हो पुलिस को कोर्ट? नहीं, कोर्ट को फटकार नहीं, वो तो बोल ही दिया ना उनके खिलाफ परिवाद प्रस्तुत करो आप, ये फटकार ही है। जो पक्ष विरोधी हुए हैं शासन ने जिनने एफ आई आर लिखवाई वो इसमें पक्ष विरोधी हो गया। गजराज सिंह सोलंकी, अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।